हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज के वीडियो से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ ऑन दिस चैनल और उसका नाम है द मिनिमलिस्ट वार्डरोब. बेसिकली मिनिमलिस्ट वार्डरोब एक कैप्सूल वार्डरोब होती है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इस वार्डरोब का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अलमारी में कुछ 10-12 पीसेस पड़े हैं और उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके हमने 40-50 आउटफिट्स क्रिएट कर लिए. सो दिस इज कॉल्ड द मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड द कैप्सूल वार्डरोब. आई फील लाइक दिस कॉन्सेप्ट, although ये काफ़ी पुराना है, but with the current situation, I feel like it is the need of the hour. With the pandemic happening, so many people dying, people losing jobs, जिनकी job नहीं जा रही, उनकी salary cut हो रही है. So the times are utterly dismal and I feel like we as consumers need to wake up. Wake up as in we need to be more aware कि हम किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ को खरीदने जा रहे हैं क्या उसको हम कम से कम 5-6 बार तो पहनेंगे. सिर्फ एक बार पहनने के लिए चीज़ें ना खरीदें. क्या वो चीज़ धुल कर भी उतनी अच्छी रहेगी? क्या जो मैं टॉप खरीदने वाली हूँ मैं उसे 4-5 तरीकों से स्टाइल कर पाऊँगी? सो आई फील लाइक वी एज कंज्यूमर्स नीड टू आस्क दीज क्वेश्चन मोर ऑफन वेन वी गो आउट शॉपिंग द नेक्स्ट टाइम. सो आज मैं इस सीरीज के अंडर एथनिक वेयर के बारे में बात करूंगी, स्पेसिफिकली साड़ीज. इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्लाउज को यूज करके मैंने कैसे मल्टीपल साड़ी लुक्स क्रिएट करे. जो घर में ज्वेलरी पड़ी थी उसी को मिक्स एंड मैच करके मैंने ये सारे लुक्स क्रिएट करे. मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप किस तरीके की ज्वेलरी रख सकते हैं जो मैक्सिमम साड़ीज के साथ चली जाए. आप किस डिज़ाइन और सिल्वेट का ब्लाउज स्टिच करवाएं ताकि वो लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ भी यूज़ हो पाए और साड़ी के साथ भी यूज़ हो पाए वाइल लुकिंग स्टाइलिश एंड एलिगेंट. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. दिस इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज. पार्ट टू में मैं जीन्स और स्कर्ट्स के बारे में बात करूंगी. आई होप यू गाइज एंड अप लाइकिंग दिस सीरीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. ये ब्लाउज़ मैंने zara.com से लिया था कुछ 1.5 महीना पहले फ्रॉम देयर क्रॉप टॉप सेक्शन. ऑल्दो आई फील इट इज़ मोर ऑफ अ ब्रालेट दैन अ क्रॉप टॉप. नाउ एज यू कैन सी है द मॉडल इज़ वेयरिंग दिस टॉप / ब्रालेट विथ हाई वेस्ट पैंट्स, विच इज़ वन वे टू स्टाइल दिस टॉप. एक और तरीका है बाय वेयरिंग अ वाइट शर्ट अंडरनीथ दिस ब्रालेट. ये स्टाइल आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ब्लॉगर्स को रिक्रिएट करते हुए देखा होगा. बट गाइज, मैंने जब इस टॉप को पहली बार देखा मेरा रिएक्शन था कि ये कितनी स्टाइलिश लगेगी एज अ ब्लाउज विद अ साड़ी. सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई डिड. फॉर द फर्स्ट लुक आई स्टाइल दिस टॉप विद अ रेड एंड ब्लैक टसर सिल्क साड़ी. अगर आपने मेरा 30 विंटर लुक्स वाला वीडियो देखा था देन यू वुड रिमेंबर कि तब मैंने इस साड़ी को स्टाइल किया था विद अ स्वेटर एंड आई फील इस ब्लाउज के साथ इट इज़ लुकिंग इवन मोर ब्यूटिफुल. मुझे इस ब्लाउज की सबसे अच्छी बात इसकी नेकलाइन की कटिंग लगती है. ऐसी स्वीट हार्ट नेकलाइन बहुत फ्लैटरिंग लगती है ऑन मोस्ट बॉडी टाइप्स और साड़ीज के साथ तो और भी ग्रेस आता है. दूसरी चीज़ जो मुझे इस ब्लाउज की बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ शोल्डर स्ट्रैप्स. सो आई डोंट know about you guys but for some reason I have armpit flap. Yes, quite weird but I have it. And jab bhi main corsets ya off shoulders pehenti hu I always get conscious and try to hide it with my hair. But thanks to this strap placement I don't have to worry about my arm cut showing anymore. In fact isko dekhkar mujhe Janhvi Kapoor ka ye look yaad aa gaya. Yahan bhi shoulder strap ki placement similar hai. So this is one tip jo main aapko suggest karungi, zarur dhyan mein rakhein next time aap jab sleeveless blouse stitch karwane jaye shoulder स्ट्रैप की प्लेसमेंट आर्म कट के पास रखवाएं. स्टाइलिश भी लगता है, थोड़ा सा मॉडर्न है एंड ऑफ कोर्स इट हाइड्स दैट नैस्टी आर्म फ्लैब इफ यू हैव. कमिंग बैक टू द लुक, मैंने साड़ी को स्टाइल करा विद सिल्वर ज्वेलरी एंड माय हेयर टाइड इन अ बन. इयररिंग्स और नेक पीस मैंने पहले स्टाइल किए हुए हैं विद दिस ऑल वाइट चिकनकारी सेट और मैंने एग्जैक्ट वही कॉम्बिनेशन रिपीट किया. द इयररिंग्स आर फ्रॉम फैब इंडिया एंड द चोकर इज फ्रॉम अ लोकल मार्केट इन दिल्ली. फॉर बैग, नो गेसेस. आप इस बैग को बहुत बार देख चुके हैं और आई एम श्योर पक भी गए होंगे देखकर. बट
आई डोंट नो वॉट टू डू बिकॉज दिस बैग गोज विथ एवरीथिंग. हाईली रिकमेंड कि आप इस कॉम्बिनेशन में रेड सिल्वर क्लच या रेड गोल्ड क्लच, इस टाइप का कॉम्बिनेशन ज़रूर अपनी वार्डरोब में रखें एंड यू विल बी अमेज्ड कि यह कितने आउटफिट्स के साथ चला जाएगा. सो या, दिस इज़ द फर्स्ट लुक. देन फॉर द सेकेंड स्टाइल मैंने एक इवनिंग लुक तैयार किया, लाइक अ डेट नाइट और अ कैजुअल पार्टी जिसमें ज़्यादा तैयार नहीं होना पर फिर भी अच्छा लगना है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ पार्टी. ऑफकोर्स ये भी मेरी मम्मी की साड़ी है एंड आई लव कि ये ब्लाउज के साथ कितनी अच्छी लग रही है साड़ी, विच इन फैक्ट ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 3 एंड दैट इज ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर, वाइट. ये कलर के ब्लाउजेस ज़रूर अलमारी में रखें क्योंकि ये मैक्सिमम कलर्स की साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच किए जा सकते हैं. अगर ब्लाउज ना भी हो तो टॉप के साथ मिक्स एंड मैच कर लो. आई फील टॉप तो साड़ीज के साथ और भी सुंदर लगती हैं और स्टाइलिश भी. काफ़ी बार मैं इस कॉर्सेट के साथ भी साड़ी स्टाइल करती हूँ. इट लुक्स कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न. अगर आप इस तरीके से स्टाइल करने में कंफर्टेबल हैं, गो अहेड, देर आर नो रूल्स. बैक टू द आउटफिट, मैंने साड़ी को स्टाइल किया विद दिस गोल्डन चोकर, जो अगेन आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देख चुके होंगे. आई फील गोल्डन डेलिकेट चोकर्स मेचोरिटी साड़ी या सूट्स के साथ पैर किए जा सकते हैं. दिस वन इज़ बाय आम्रपाली, मैंने 2 साल पहले लिया था. क्लासिक डिज़ाइन है, सिंपल है, तो कभी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होगा, विच इज़ अ मेजर टिप व्हेन बाइंग ज्वेलरी. फैशनेबल चीज़ें अच्छी लगती हैं, ट्रेंडी लगती हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं चलती. क्लासिक पीसेस आपको हमेशा काम आएंगे, सो ट्राई एंड इन्वेस्ट इन क्लासिक डिज़ाइंस अ लॉट मोर. देन फॉर हेयर, मैंने एक साइड लो बन बनाया और कुछ फ्रंट फ्रिंजेस को पुल आउट कर लिया टू फ्रेम द फेस. ईयरिंग्स के लिए रेगुलर ब्लैक स्टड्स पहने जो अलमारी में पहले से पड़े थे एंड आई थिंक दिस ब्लैक टाइज द लुक फर्दर. लास्टली मैंने रेड लिप लगाया टू एनहेंस द लुक अ लिटिल बिट मोर. आई फील ओकेजन के अकॉर्डिंग आप न्यूड, मरून, जो भी आपके फेस पर अच्छा लगता है कलर वो लगा सकते हैं. बस इतना ध्यान रखना कि लिप शेड मैच करे आपके पर्स से या तो साड़ी से. मैंने रेड एंड गोल्डन बैग लिया टू कॉम्प्लीमेंट द रेड लिप एंड द गोल्डन चोकर. अगर आपके पास नेवी या ब्लैक क्लच हो तो वो भी उतना ही अच्छा लगेगा. फुटवेयर के लिए गोल्डन जुत्तीज़ पहनी. आई फील गोल्डन जुत्तीस अगेन वार्डरोब स्टेपल है. जब भी मेरी साड़ी या सूट में हल्का सा भी गोल्डन होता है मैं इन जुत्तीस को पहन लेती हूँ. नाउ इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस ब्लाउज फॉर अ ड्रेसियर ओकेजन लाइक अ वेडिंग, तो साड़ी हल्की सी हैवी कर लो, लाइक दिस गॉर्जियस गॉर्जियस टसा सिल्क इक्कत साड़ी. नेक पीस भी हल्का सा हैवी कर लो, लाइक दिस चोकर जो मैंने कुछ टाइम पहले खरीदा था फॉर अ फैमिली वेडिंग. ये एक ऐसा लुक है जो आई फील ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप एंड ड्रेस डाउन दोनों किया जा सकता है. जैसे अगर डे फंक्शन है तो न्यूड लिप्स लगा लो, हैवी सिल्वर ज्वेलरी पहन लो. रात के लिए हैवी करना चाहते हो तो बोल्ड लिप, साइड मेसी बन और इस तरीके का एक थोड़ा सा ड्रेसी नेकलेस जो भी आपके पास अलमारी में पड़ा हो वो पहन लो. मुझे इस नेकलेस की वाइट बीड्स लगा के कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं विद द वाइट इक्कत ऑफ द साड़ी एंड आई फर्दर बाइंड दिस लुक विद दिस पोटली बैग. इस पोटली बैग की वाइट बीड्स, नेकलेस की वाइट बीड्स, साड़ी का वाइट इक्कत इज टाइंग द एंटायर लुक ब्यूटिफुली. यहाँ मैं एक टिप अपनी हैवी ब्रेस्टेड गर्ल्स को देना चाहती हूँ. नाउ इफ़ यू प्लान टू बाय दिस ब्लाउज फ्रॉम ज़ारा देन डू नो कि इस ब्लाउज में कोई पैडेड सपोर्ट नहीं है, सो आई डाउट कि आप इसमें कितना कंफर्टेबल फील करेंगी. आई एम अ 32 inches, सो मेरे साथ कुछ भी पहन लो सब चलेगा. बट इफ़ यू आर अ लिटिल मोर हैवी ब्रेस्टेड देन आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू माइट नॉट फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस ब्लाउज. आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग कि आप पैडिंग वाला एक प्रॉपर ब्लाउज स्टिच करवा लो फ्रॉम द टेलर. आई फील उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल फील करेंगी. बस 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो स्वीट हार्ट नेक लाइन, दूसरा शोल्डर स्ट्रैप की प्लेसमेंट. इन दोनों चीज़ का ध्यान रखो. बाकी ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है, डेप्थ कितनी रखनी है, वो सब आप अपने हिसाब से चेंज करा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक, आई स्टाइल दिस ब्लाउज विद अ महारानी साड़ी फ्रॉम राजस्थान. मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी लगेगी विद दिस ब्लाउज. आई थिंक इस ब्लाउज से एक कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न अपील मिल रही है साड़ी को एंड आई एम अ सकर फॉर दिस वाइब. देन नेक्स्ट ईयरिंग्स के लिए मैंने एक पुराना सेट रिपीट करा. ये सेट अगेन मैंने पिछले साल खरीदा था एक शादी के लिए और मैंने नेकलेस इस बार नहीं पहना बिकॉज ऑलरेडी बॉर्डर पर बहुत सारा डिज़ाइन था. नेकलेस स्किप कर दिया और सिर्फ ईयरिंग से काफ़ी अच्छा लुक बन गया. लास्टली मैं इस ब्लाउज को ट्राई करना चाहती थी विद अ हैवी सिल्क साड़ी जस्ट टू सी कि कैसा लगता है विद हैवी साड़ीज. सो आई स्टाइल्ड दिस ब्लाउज विद दिस रेड सिल्क साड़ी फ्रॉम नल्ली. इस साड़ी के पल्लू पर ब्लैक टैसल्स हैं विच आई फील टाई द ब्लैक इन द ब्लाउज. फिर मैंने ब्लैक मंगलसूत्र भी पहन लिया सो इट फर्दर ब्रिंग्स द ब्लैक टुगेदर. और कानों में मैंने गोल्डन ईयरिंग्स पहने. ये गोल्डन बालीज मैंने आम्रपाली से ली थी. ये गोल्ड प्लेटेड हैं, दे आर नॉट गोल्ड एंड आई फील अगेन इस टाइप की बाली आर अ स्टेपल. आपको गोल्ड प्लेटेड लेनी है, आपको प्रॉपर गोल्ड में लेनी है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मुझे इस टाइप की बालीज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि जब भी मेरे सूट या साड़ी में हल्का सा भी गोल्डन होता है एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या पहनूँ, मैं इन बालियों को पहन लेती हूँ. दे आर क्लासिक, दे आर सिंपल और हमेशा प्यारी लगती हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट टिप रिगार्डिंग ब्लाउज स्टिचिंग इज कि जब भी आप ब्लाउज स्टिच करवाएं और आपका प्लान है कि इसको मैं स्कर्ट के साथ भी स्टाइल करूँगी ब्लाउज को, तो हुक की प्लेसमेंट साइड में रखें. इससे आप लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ भी ब्लाउज को पहन पाएंगे. जैसे ये मेरा ब्रोकेड ब्लाउज है, इसका जिपर साइड में है, बिकॉज ऑफ विच आई स्टाइल दिस ब्लाउज विद अ लहंगा स्कर्ट एज वेल. सेम फॉर दिस सिल्वर ब्लाउज, इसके हुक्स पीछे हैं तो मैं लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ इस ब्लाउज को पहन लेती हूँ. बट अगेन अगर आपको सामने हुक्स रखकर ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बस इतना ध्यान रखना कि हुक्स नीटली स्टिच्ड हो, कोई गैप विजिबल ना हो, क्लीन लगे और फिर उतना ही अच्छा लगेगा स्कर्ट के साथ. एंड विद दिस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको टिप्स हेल्पफुल लगी. स्टे tuned for part 2. It will be about western wear and it will come next week. And agar aapko video acha laga, do give it a thumbs up. Don't forget to take care of yourself and your family. Bye guys.